निराश्रित और आवारा पशुओं को लेकर के एक समस्या है। हम गौ हत्या भी नहीं होने देंगे, लेकिन किसानों की खेती को भी चरने नहीं देंगे। और हम लोगों ने उसकी पूरी कार्य योजना बनाई है। 17 नगर निगम को, 60 नगर पंचायत नगर पालिकाओं को हम लोगों ने गौशालाओं के लिए पैसा उपलब्ध कराया है। गौ संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए सभी 75 जनपदों को प्रति जनपद 1,20,00,000 रुपए प्रत्येक जनपद को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है। और साथ ही साथ 750 पिंजरा पोल को पुनः प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने पूरे देश प्रदेश के अंदर फिर से एक योजना बनाई है। इन्हें पुनर्जीवित करके पिंजरा पोल नहीं होंगे, गौ संरक्षण केंद्र के रूप में इन्हें विकसित करके इनको हम प्रदेश के किसानों को निराश्रित और आवारा पशुओं से उनकी खेती को बचाने का भी कार्य करेंगे। सचमुच जब देवरिया की बात आती है तो लोगों की अनेक जिज्ञासाएं बढ़ती है। और मित्रों, देवरिया में पूज्य देवरा बाबा से भी यह जनपद जाना जाता है, और इस मेडिकल कॉलेज का नाम पूज्य देवरा बाबा के नाम पर होना चाहिए। एक पूज्य संत के नाम पर जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से अपने धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से आप